यशोमति मैया के नंदलाला। मैया ये क्या किया? लगता है इसे माखन से अधिक ही प्रेम हो गया है। सावधान यशोदा, कहीं बड़ा होकर माखन चोर ना बन जाइए। माखन चोर क्यों बनेगा मेरा लल्ला? माखन की कोई कमी है क्या हमारे घर में? जितना माखन चाहिए उतना माखन खिलाऊंगी मैं अपने लल्ला को। पर मैया अभी तो थोड़ा सा भी नहीं चखा रही हो। ये ले। लो, ये भी दाऊ को दे दिया। सुबह तो बोल रही थी कि मैं आपको प्रेम नहीं करता, उल्टा आप अपना सारा प्रेम बलदाऊ पर लुटा रही हो। सुनो जी, कान्हा के चारों ओर सिरहाने लगा दो ना, नहीं तो जी फिर से इधर उधर चला ना जाए। जी अच्छा सुझाव दिया तुमने, अभी लाए। इस बालक का वध करके जब मैं मथुरा वापस लौटूंगा तो प्रभु कंस मुझे अपना विशेष विश्वास पात्र तो बनाएंगे ही, पर क्या पता प्रधानमंत्री भी बना दे। देवकी और वसुदेव अभी कहाँ हैं? अपनी संतानों के श्राद्ध के लिए ऋषि गर्ग के आश्रम जा रहे हैं। अब आप क्या करने वाले हैं महाराज? एक बार तो मैंने उन्हें प्राण दान दे दिया। बधाई हो कुंवर जी, अपनी पत्नी के प्राण बचाने में आप सफल हुए। दूसरी बार मैं उन्हें दंड देने निकला तो तुमने मुझे रोक दिया। बुद्धि बल का प्रयोग कीजिए स्वामी, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। किंतु एक ही भूल को बार बार नहीं दोहराएगा कंस। मथुरा नरेश कंस के इस महल से वसुदेव और देवकी जीवित बाहर नहीं निकलेंगे। निकलेंगे केवल उनके शव। कंस मामा, आप उनको छू भी नहीं सकते।
ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हुआ प्रभु? आप अचानक इतने चिंतित क्यों हो गए? कृष्ण ने अपने पांव का अंगूठा अपने मुख में रख लिया है देवी। इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है प्रभु, ऐसा तो हर बालक कभी ना कभी करता ही है। तो सखा कोई साधारण बालक नहीं है देवी पार्वती, तो भगवान है। यदि वह ऐसे ही अपने अंगूठे को मुख में रखकर खेलते रहे तो अवश्य ही आ जाएगी। कौन आ जाएगी प्रभु? प्रलय आ जाएगी देवी, प्रलय आ जाएगी देवी। हे नारायण, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे लग रहा है जैसे दिन में ही रात्रि के समान अंधेरा छा गया हो। लगता है बहुत बड़ी आंधी आने वाली है। ये भीषण आंधी, ये मूसलाधार वर्षा, तुम दोनों ने ऋषि गर्ग के साथ मिलकर अवश्य कोई योजना बनाई है ना? बोलो बोलो, क्या है वो योजना? बोलो। लगता है प्रकृति क्रोध में, मैं जाकर गौशाला संभालता हूँ, कहीं कोई हानि ना हो जाए। तुम बालकों को भीतर ले जाओ। जीजी, द्वार और झरोखे बंद करते हैं। चल अंदर चल के खेल। आपके सखा तो ध्यान निद्रा में चले गए हैं प्रभु, इनके ये अंगूठा चूसने की सामान्य सी क्रिया का कितना घातक प्रभाव पड़ रहा है, इन्हें तो पता भी नहीं है। चाहे जानबूझकर की जाए या अनजाने में हो, सखा की हर लीला के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। पर ऐसा लगता है देवी, जैसे उनकी इस लीला के पीछे एक नहीं अनेक उद्देश्य छिपे हैं। देख रही हो जिंजी, प्रसाद ना मिली खाने को तुझे पांव का अंगूठा ही चूसने लग गयो। कान्हा, ये क्या कर रहे है? अंगूठा मुंह से निकाल दे लल्ला, ये अच्छी बात ना है कान्हा। देख कान्हा, तू नींद में है इसका अर्थ ये ना है कि मैया तुझे अंगूठा चूसने देगी।
निकाल अंगूठा मुंह से। आज तो बड़ी शीघ्र इतनी गहरी निद्रा में सो गए हो तुम। देख रही हो ना चिची, अंगूठा मुंह से निकालने को तैयार ही ना जी। ऐसा क्या आनंद मिल रहा है? अधिक बल भी ना लगा सकती, अत्यधिक नींद में है, कहीं इसकी आंख ना खुल जाए। रानी भाभी, लगता है तीव्र वर्षा होने वाली है। मैं और भोला भैया के साथ अगले निकल रहे हैं, हो सकता है उन्हें हमारी आवश्यकता हो। हाँ हाँ, चलो बोला। चिची, तीव्र वर्षा आरंभ होने से पहले आप और बताओ निकल जाओ। ठीक है, किंतु तुम भी सतर्क रहना। हाँ, आप भी ध्यान से जाओ। हे नारायण, वस्त्र बाहर सूख रहे हैं और तेरे अन्न प्राशन वाले चावल भी रखे, भीतर करना होगा ना चिचान की भी। लल्ला, वैसे जी बहुत बुरी बात है, अंगूठा मुंह से बाहर निकाल। केवल 2 दिवस में तेरा अन्न प्राशन है, फिर सब खाइयो। तनिक धैर्य रख। गुड़ तुम प्रभु, स्वयं कृष्ण की मैया इनका अंगूठा नहीं निकाल पाई तो अब और कौन निकालेगा? कैसे रुकेगी ये प्रलय? इसका एक ही अर्थ है देवी, अभी लीला समाप्त होने का समय नहीं हुआ। अभी तो कहना तो ये चाहिए कि लीला अभी पूरी तरह से आरंभ ही नहीं हुई है। कसने प्रलय बुला ली। हे नारायण, जे वर्षा तो रुकने वाली ना है, जे फोड़ और गेहूं भीतर रख देती हूँ। जे देख रहे हो गुड़, जे तेरे अन्न प्राशन के पकवानों के लिए ही है। कैसे कैसे करके बचा के लाई हूँ कुछ पता भी है तुझे? और तू है कि जे अंगूठा ही चूसे जा रहे है। हाँ नहीं तो किंतु आज प्रलय भी आ जाए तो कंस की तलवार का वार रोकने में असमर्थ होगी। कंस के साथ विश्वासघात किया है, दंड तो मिलेगा। महाराज, वायुमंडल में अचानक आए इस परिवर्तन का हमसे कोई लेना देना नहीं, हम तो बस अपनी संतानों के श्राद्ध के लिए जा रहे थे। मूर्ख हूं मैं। कंस एक मूर्ख है। मूर्ख हूं मैं, अब अच्छी तरह जानता हूं मैं। श्राद्ध केवल एक बहाना है, किंतु सत्य यह है कि तुम और वो ऋषि गर्ग मिलकर मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहे हो, और ये तुम्हारी योजना है। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? कैसा षड्यंत्र, कैसी योजना? हम तो केवल श्राद्ध के लिए गए थे। बहुत अवसर दिए मैंने तुम दोनों को, किंतु तुमने बार बार मुझे मूर्ख बनाया। इसलिए
अब मैं अवसर दूंगा अपनी इस तलवार को। ये इनके इन प्रकारेण साम दाम दंड भेद कोई ना कोई युक्ति लगाकर मैं तुम्हारे उस बालक का वध कर ही दूंगा। पर उस क्षण का साक्षी बनने के लिए अब तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। के गर्भ से उसकी आठवीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश करेगा। प्रलय आने वाली है, प्रलय आने वाली है, प्रलय आने वाली है। यदि कंस को रोकना, अपने माता पिता की रक्षा करना और चपलासुर के ब्रह्म को मिटाना ही इस लीला के उद्देश्य थे तो ये सभी उद्देश्य पूरे हो चुके हैं प्रभु। अब तो ये प्रलय रुकनी ही चाहिए। ये केवल सखा की लीला ही नहीं है देवी पार्वती, उनकी माया का उदाहरण भी है। मार्कंडेय ऋषि को दिए गए वरदान को पूरा करने के लिए ही ये सब हो रहा है। कौन सा वरदान प्रभु? प्रभु की माया को साक्षात अपनी आंखों से देख पाने का वरदान। हे नारायण, क्या ये प्रलय है? क्या संसार समाप्त हो रहा है? तो फिर मुझे मिले इस जीवन का क्या अर्थ है? ये बालक यहां कहां से आया? सोते हुए कितना निर्दोष लगता है जी। चारों ओर जल ही जल है, सब कुछ प्रलय में नष्ट हो रहा है, किंतु ये कितना निश्चिंत है ये। परंतु ये अद्भुत बालक है कौन? जिन घने काले बादलों ने आकाश को घेरा हुआ था, कहाँ गए वो? यहां तो प्रलय का कोई चिन्ह ही नहीं है। ये आप ही की माया थी ना प्रभु? मुझे इसका साक्षी बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
परंतु इसका अर्थ क्या है प्रभु? प्रभु इसका अर्थ ये है कि ये मानव संसार वट वृक्ष पर स्थित है और मानवों का जीवन काल वट वृक्ष के पत्ते पर विश्राम करती एक जल की बूंद के समान होता है, वो बूंद जो किसी भी क्षण नीचे गिर सकती है। आपने तो स्वयं देखा है महर्षि, ये संपूर्ण जगत, ये महाब्रह्मांड मेरे ही भीतर स्थित है। ये उदाहरण है इस बात का कि जो दिखता है उसके कई स्वरूप होते हैं। जो आज आप देख रहे हैं वो पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा। सब कुछ एक माया है, प्रलय का होना, जीवन का होना, दुख सुख सब एक भ्रम है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक जलाशय में दिखने वाला प्रतिबिंब आपकी वास्तविकता नहीं बल्कि एक भ्रम होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में कोई भी संकट क्यों ना आए, वो इस प्रलय की तरह केवल एक भ्रम ही होता है। ऐसे समय में जो संकट के सामने झुक जाते हैं या अधर्म का साथ देते हैं, वह स्वयं को उस भ्रम रूपी प्रलय में डुबोकर नष्ट कर लेते हैं। पर जो मेरी शरण में आकर संकटों का सामना करते हैं, वह स्वयं को कठिन से कठिन प्रलय से भी उभार लेते हैं। किंतु प्रभु, सभी व्यक्तियों में संकटों का सामना करने का साहस नहीं होता। कृपा करके आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके भक्तों को इतना बल मिले कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी सहर्ष कर सकें। मैं वरदान देता हूं महर्षि, पीपल के पत्ते पर बाल कृष्ण की इस छवि का स्मरण मेरे जो भी भक्त करेंगे उनके साथ मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहे। वो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना फंसे, बाल कृष्ण की ये छवि उन्हें उससे उभर पाने में सामर्थ्य प्रदान करेंगे। अद्भुत, तो ये कोई साधारण लीला या भ्रम नहीं था, मानव मात्र को नारायण से मिला वरदान था ही। पर अब क्या होगा प्रभु, कैसे रुकेगी ये प्रलय? क्या सोच रहे हैं प्रभु, क्या आप रोकेंगे ये सब? नहीं प्रिय, ये कृष्ण की माया है, वही इसे रोक सकते हैं। पर मैं अपने सखा से भेंट करने अवश्य जाऊंगा, पर पिछली बार की तरह बिना उपहार लिए नहीं। उपहार? आप तो प्रलय का भी सामना करने के लिए तैयार थे ना भैया, अभी तो प्रलय भी नहीं आई और आपकी ये दशा हो गई। महाराज,
महादेव, आप उपहार में ये निष्प्राण वस्तु देंगे अपनी सखा को? सही पहचाना देवी, पर उपहार देने से पहले इसे आकार दूंगा मैं, क्योंकि प्राण तो इसमें बालकृष्ण ही भरेंगे। मुरली, बस उन्हें मेरा उपहार अच्छा लगे। यदि यशोदा मैया ने आपको अपने सखा से मिलने से फिर से रोक दिया तो? इस बार चुपचाप छिपकर उनकी दृष्टि से बचकर जाऊंगा देवी पार्वती, उन्हें पता ही नहीं चलने दूंगा। संभालिएगा प्रभु, यदि यशोदा मैया ने आपको पकड़ लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे महादेव। जानकी को कही थी मैंने भीतर रख दे, छोड़कर चली गई बाहर, कुछ याद ही ना रहता ऐसे। कान्हा, अंगूठा निकाल दे नन्ना, नहीं तो रुक जा, मुझे ही अंगूठा निकालना पड़ेगा तेरा। पूरे वस्त्र भीग गए मेरे, कहीं मेरे कारण इसका स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए। वस्त्र बदल के आ रही है मैया, आ रही हूं। शासन की नींव भय होती है महाराज, और आपका पूरा साम्राज्य भय पर ही टिका हुआ है। यदि आप ही इस तरह से भयभीत दिखाई देंगे
तो आपके साम्राज्य को डगमगाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। एक बार आपने ही कहा था ना कि अपनी दुर्बलता कभी किसी को मत दिखाओ। प्रजा को भयभीत कंस नहीं, भयानक कंस दिखना चाहिए, भयानक कंस। अब आप ये सिद्ध कर दीजिए कि भय आपके शत्रु का नहीं, आपका शस्त्र है। महाराजा धीराज, कंस का शस्त्र। उससे क्या भयभीत होना जो स्वयं भयभीत हो, उससे क्या भयभीत होना जो स्वयं भयभीत हो। सखा, इस माया को विराम देने का समय आ गया है। सभी आपके चरण धोकर उसका चरणामृत पीते हैं सखा, और आपने उसी चरण को अपने मुख में रख लिया। यही तो सखा, मैं इस तथ्य से चकित था, इसलिए सोचा एक बार अपने चरणामृत का स्वाद स्वयं भी चख ही लिया जाए। अब जो उपहार लाए हैं वो शीघ्र ही दे दीजिए। मैया ने आपको देख लिया तो आपको तो अनुभव है वो क्या क्या करने में सक्षम है। आपसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता सखा। इन अधरों पे पांव के अंगूठे से अधिक ये मुरली शोभा देगी सखा। शीघ्र ही सारा संसार तुम्हें मेरे नाम से और मुझे तुम्हारे साथ से पहचानेगा। प्रभु, मेरे प्रभु, इस अनमोल भेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सखा। सखा, मैया, मैया।
पिताजी, तो तूने अपना अंगूठा मुंह से निकाल ही दियो, बड़ा उपकार कियो अपनी मैया पे। प्रभु, मैया ऐसा मत करो, मेरी मुरली वापस दे दो मुझे। जे कहां से आई? मेरे सखा ने उपहार में दी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था मैया कि मेरे अंगूठा मुंह में लेने से इतना सब कुछ हो जाएगा। तेरे मुख पे छाई है दृष्टता की छाया, साक्षी है ये जो भी हुआ। ये तुम दोनों उस ऋषि गर्ग और तुम्हारे उस पुत्र का किया धरा है जिसे तुमने मुझसे छुपा रखा है। जो स्वयं दूसरों का बुरा करते हैं उन्हें सदैव यही लगता है कि उनके पीठ के पीछे उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र हो रहा है। मुझे तनिक भर भयभीत देखकर इतना साहस आ गया तुझमें कि मुझे प्रत्युत्तर देगी। लगता है तुम दोनों महाराज की तलवार के वार को भूल चुके हो। स्मरण करो, इतने वर्षों में इसने एक बार भी तुम्हें छुआ तक नहीं, लेकिन अनेकों बार तुम्हारे हृदय को रक्त रंजित कर चुकी है ये। मेरी इस तलवार ने तुम दोनों की 6 संतानों का रक्त चखा है और अब एक और संतान के रक्त में स्नान करने वाली है ये। वो संतान जो गोकुल में पल रही है। बस कंस भैया, बस बस कंस भैया, बस बस कंस भैया, बस। इतना दुस्साहस, तू मुझसे ऊंचे स्वर में बात करेगी अपने बड़े भाई के सामने? बड़े भाई जैसे कौन से कर्म किए हैं आपने? और अब जो कुकर्म करने की आप सोच रहे हैं उसमें भी असफल होंगे आप। देवकी। नहीं स्वामी, आज मत रोकिए मुझे, बहुत सह चुके हैं हम, बहुत मौन रह लिए, परंतु आज इन्हें सत्य का पता चलना ही चाहिए। भैया आपको क्या लगता है, आप बहुत शक्तिशाली हैं, तो अपना भाग्य बदल सकते हैं, आप भगवान विष्णु का सामना कर सकते हैं। ये भ्रम राक्षस राज रावण को भी था और यही भ्रम स्वयं को भगवान समझने वाले हिरण्यकश्यप को भी था, पर ना रावण के 10 शीश बचे और ना ही हिरण्यकश्यप का अस्तित्व। पेट चीर के उनके प्राण निकाल लिए थे भगवान ने, तो सोचिए भैया आपकी क्या दशा करेंगे वो। मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाई कि ये आपका अभिमान है या अज्ञान, जो आप भगवान विष्णु का सामना करने चले। देवकी, इस क्रोध का आप कोई लाभ नहीं है भैया, अब तक मैं व्यर्थ ही आपसे भयभीत होती रही, परंतु अब और नहीं। जब हमारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे तो फिर आपसे कैसा भय? तू क्यों मुस्कुरा रहा है? अब जे मत ही सोचना कि मैया फिर से अंगूठा चूसने देगी तुझे। अब उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मैया। पहले आकाशवाणी से सुना था, आज मैं दोहराती हूँ, आपकी मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार द्वारा ही होगी। आपकी मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार द्वारा ही होगी। आपकी भले ही वो कहीं भी क्यों ना हो। चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, मैं जानता हूं वो कहां है। देवकी,
तूने बहुत बड़ी भूल कर दी मुझे चुनौती देकर। मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण तुम दोनों का वध कर दूं, किंतु नहीं, तुम्हें श्राद्ध करना बहुत प्रिय है ना? तो ठीक है, तो अब मैं तुम दोनों का वध तभी करूंगा जब तुम दोनों अपनी आठों संतानों का श्राद्ध एक साथ कर चुके होगे। श्राद्ध की तैयारियां करो। मैं अन्नपूर्णा की कृपा से आज अन्नप्राशन के सभी कर्मकांड अच्छे से हो जाए, भोजन स्वादिष्ट बने और मेरे कान्हा को प्रिय लगे। बस इतना आशीर्वाद दे दो तुलसी मैया। मैया, कहीं उसे ऐसा ना लगे कि उसकी मैया को अच्छा भोजन बनाना आ तो ही ना है। वाह मैया, इतने दिन तक तो कुछ खाने को दिया नहीं और अब जब खाने का अवसर आया है तो व्यग्र हो रही हो। मेरे बारे में भी तो कुछ सोचिए प्रभु, 2 दिन से यहीं अटकी हूँ। अटकी नहीं हो मुरली, तुम तो लटकी हो। प्रभु। हाँ हाँ मुरली, मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए, पर क्या करूं? मैया ने तुम्हें मेरी पहुंच से बहुत ऊपर लटकाया है। पर प्रभु, मैं अब तक पहुंचूं कैसे? प्रभु, सोचिए मत, कुछ करिए।